दोस्तों, अगर आप जियो यूजर हैं और जियो का 119 का रिचार्ज करते थे और अब 119 का रिचार्ज अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जियो ने 119 का रिचार्ज अब हर जगह से बंद कर दिया है, तो दोस्तों आप उस रिचार्ज को कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, आप गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, कहीं भी आप रिचार्ज करने के लिए जाते हैं तो 119 का रिचार्ज करने का जो ऑप्शन है वह अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम 119 का रिचार्ज अब नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे 119 का जियो का रिचार्ज करेंगे, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जियो का 119 का रिचार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, अगर आप भी 119 का रिचार्ज नहीं कर पाते हैं और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो वही दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यार, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप अगर जियो का 119 रुपये का रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने माई जियो एप्लीकेशन पर जाना होगा। जो माई जियो एप्लीकेशन है उस पर जाना है। अगर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो डायरेक्ट ओपन कीजिए, नहीं तो आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद में इसको ओपन कीजिए। जैसे दोस्तों माई जियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, अगर आपने पहले 119 का रिचार्ज किया होगा तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएगा यहाँ पर रिपीट करने का। अगर आप पहली बार आते हैं तो यहाँ पर आपको रिचार्ज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस रिचार्ज पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही रिचार्ज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे कि आपका जो भी मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा वह मोबाइल नंबर ऊपर में आपको शो हो जाएगा और आपका जो लेटेस्ट प्लान होगा सबसे ऊपर में आएगा। तो इससे पहले रिचार्ज मैंने 119 से किया था तो 119 का रिचार्ज आ रहा है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि पहले से यहाँ पर सेट होगा तो आप लोगों को यहाँ पर जो पॉपुलर प्लान है इसके ऊपर में क्लिक करना है। देखिए, पॉपुलर प्लान पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रोल कीजिए, अगर ऊपर में नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ 1.5 GB प्रति दिन का जो प्लान है इसके ऊपर में आपको क्लिक करना होगा। जब इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्लान आ जाएंगे 1.5 GB वाले। यहाँ पे सबसे नीचे में आपको 119 रुपये वाला जो प्लान है यहाँ पे शो हो रहा है, 119 रुपये में 14 दिन की वैलिडिटी और 1.5 GB प्रतिदिन डेटा। तो इसको रिचार्ज करना है। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, और किसी फ्रेंड का करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन का रिचार्ज करने के लिए आपको बस इस रिचार्ज बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों रिचार्ज बटन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का रिचार्ज करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना फ़ोनपे, अमेजोन, यानी जो भी चीज़ आप यूज करते हैं इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे फ़ोन पे से हमको अब यह पेमेंट करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर फ़ोन पे क्लिक करेंगे। जैसे फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में यहाँ पर हमें पासवर्ड डालने के लिए कहा जा रहा है। हमारा प्रोसेसिंग हो गया, हमें पैसे डालने के लिए कहा जा रहा है, तो हम पे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको अपना फ़ोनपे का पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ पर फ़ोनपे का पासवर्ड डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमने अपना पासवर्ड को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने 119 रुपये का जियो का रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया। देखिए यहाँ पर लिख दिया रिचार्ज सक्सेसफुल 119 रुपये का। तो दोस्तों, अगर आप 119 का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो माई जियो ऐप में आकर इस तरीके से आप अपने 119 का रिचार्ज कर सकते हैं, अपना भी और अपने फ्रेंड का। सिर्फ माई जियो ऐप से यह रिचार्ज हो रहा है, बाकी किसी भी एप्लीकेशन से यह 119 का रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो माई जियो से आप 119 का रिचार्ज अभी भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बता रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।